सारी जो गोपियां हैं वे गोपियां काम में तो लगी हैं। मैया ने काम दिया है, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, काम में तो लगी हुई हैं गोपियां, लेकिन फिर गोपियां डूब गईं भगवान की सुंदरता की। लाला तो बड़ा सुंदर है, मन तो करता है लाला को निहारते रहें, मन लाला में लगा है, काम रसोई घर में कर रही है। और मैया ने भी कहा है कि बाजे बजवाओ, गीत गवाओ, बंधन वारे बनवाओ। गोपिकाएं लगी हुई हैं कामों में, भगवान के सुंदर स्वरूप को मन में बिठा करके गाए जा रही हैं और लाला के जन्मदिन की तैयारियां चल रही हैं। कुछ समय के बाद मैया यशोदा ने खूब पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराया है, फिर लाला को स्नान भी कराया, फिर पीला पीला सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दिए, पीले पीले सुंदर वस्त्र पहनाए हैं और पीले वस्त्र पहना के आंखों में खूब मोटा मोटा काजल, माथे पे काजल का टीका, जिसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं, ढिठोना टीका, छाती में टीका, पैरों में टीका, हाथों में टीका, क्यों लाला को नजर ना लग जाए, ढीठ ना लगे। पीले पीले कपड़े पहनाए, पीली सी झगुलिया पहने हैं ठाकुर जी, खूब सुंदर श्रृंगार है, छोटे छोटे से पैर में पायल पहना दी, छोटा सा पेट है उसमें करधन पहना दिया, खूब सुंदर सुंदर गहने आभूषण, हाथों में कंगन पहनाए, गले में सुंदर सा हार पहनाया और श्रृंगार करके उन्हें लिटा दिया झूले में। बड़े सुंदर हैं कन्हैया, झूले में लेटे हैं और झूले में लेटे हुए गोपियां कन्हैया को झूला झूला रही हैं और मैया बस इस दृश्य को देख करके प्रसन्न हो रही हैं, आनंद में डूब रही हैं, भाव विभोर हो रही हैं, खुश हो रही हैं। लेकिन मैया के मन में एक भाव है कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो कन्हैया छोटा है, परेशान हो जाएगा, इसलिए एक काम किया जाए, लाला को उठा करके मैं कहीं और लिटा देती हूँ, यहाँ तो बड़ी भीड़ भाड़ है घर पे। तो एकांत मैया ने ढूंढा है और एकांत मैया को भी कहाँ मिला, छकड़े के नीचे। छकड़ा बैलगाड़ी नुमा ही होता है, बैलगाड़ी तो नहीं पर बैलगाड़ी जैसा, और उस छकड़े के ऊपर खूब बड़े बड़े भरे भरे बर्तन रखे हैं, दूध का, दही का, मिश्री का, मक्खन का। उस छकड़े के नीचे लाला के पालने को मैया ने रख दिया कि यहाँ ये सुरक्षित है, यहाँ कोई इसे जगाएगा नहीं, कोई परेशान नहीं करेगा, कोई नजर लगाने नहीं आएगा, कोई बलैया नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, इसलिए मैया ने पालना छकड़े के नीचे रख दिया है। और उसी दिन कंस ने भेजा सकटासुर नाम के एक भयंकर राक्षस को। सकटासुर अदृश्य रूप में आया है और आकर के जब उसने देखा कि कृष्ण तो छकड़े के नीचे है तो कहता है, अरे वाह, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इतना सा वजन बढ़ा करके छकड़े के ऊपर बैठना है, छकड़ा कृष्ण के ऊपर गिरेगा, कृष्ण दब करके पिचल करके गोविंद आए नमो नमः मर जाएगा। वो ये सोच रहा है, उसने सोचना प्रारंभ किया, भगवान ने करना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा, रुक जाओ बेटा मैं तुम्हें बताता हूं। और क्या किया भगवान ने, भी अपने हाथ पैर चलाना और जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। हाथ पैर चलाते 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 जब एक लात कृष्ण ने छकड़े में मारी तो छकड़ा पलट गया, और जब छकड़ा पलट गया तो सकटासुर भी मारा गया और मैया का जितना दूध दही माखन मिश्री मेवा मिष्ठान था सब यहाँ वहां पूरे में फैल गया। कंस के द्वारा भेजा गया एक राक्षस जिसका नाम था सकटासुर, भगवान ने सकटासुर का वध किया। ये सकटासुर सबके जीवन में आता है,
सक्टासुर का मतलब है संकट रूपी असुर, सक्टासुर। इस दुनिया में शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कह दे कि हम पूरी तरह से खुश हैं, कोई नहीं है। कोई कहेगा कि भैया धन है, संपत्ति है, घर है, परिवार है, सब अच्छा है, लेकिन शांति नहीं है। कोई कहेगा सब कुछ है पर औलाद नहीं है। कोई कहेगा औलाद है तो वो बिगड़ी है। कोई कहेगा सब कुछ है लेकिन पता नहीं स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, सब कुछ है पर खा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, ज्यादा देर चल नहीं सकते। और ये तो सामान्य से कष्ट है, पता नहीं और कितने बड़े बड़े कष्ट हैं लोगों के जीवन में। तो इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं या पूरी तरह से खुश हैं। सबके जीवन में कोई ना कोई संकट है, सक्टासुर संकट रूपी असुर का आगमन आना जाना लगा रहता है। आज प्रसन्नता है तो कल दुख है, फिर दुख है, फिर प्रसन्नता, ये सब तो चलता रहता है। सुख और दुख व्यक्ति में के जीवन में मेहमान की तरह होते हैं। जैसे मेहमान आते हैं हमारे घर में तो बहुत ज्यादा दिन के लिए नहीं आते, पहले आते थे ज्यादा दिन के लिए, पूर्व समय में, पुराने समय में। अब तो दो चार दिन लोगों का घर पे रुकना मुश्किल है, इतनी व्यस्तता है। तो कहा ये जो सुख और दुख है ये मेहमान की तरह है, एक आता है दूसरा जाता है, फिर दूसरा आता है, ये वाला जाता, आना जाना इनका लगा रहता है, स्थायी नहीं होते, ये रुकते नहीं है। जो व्यक्ति कल तक दुखी था आप चार दिन बाद देखो वो प्रसन्न मिलेगा, जो व्यक्ति प्रसन्न था वो दुखी मिलेगा, जो स्वस्थ था वो रोगी मिलेगा, जो रोगी था वो स्वस्थ मिलेगा, जो दुबला था वो मोटा मिलेगा, जो मोटा था वो दुबला मिलेगा, चक्र चलता रहता है। तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि भैया हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, खुश हैं और हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई झंझट नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता इस दुनिया में, क्योंकि उसका आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब ये संकट रूपी असुर जीवन पर हावी होने लगे, सामान्य वाला नहीं कि आना जाना लगा है, दुख है, सुख है, सुख है, दुख है, एक प्रकार दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख, परेशानी परेशानियां, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, यहां से भी, यहां से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, चारों दिशाओं से परेशानियां आने लगे और उनका जाना ना हो, लगी ही रहे आना आना आना, तो उस समय समझ लेना कि जीवन में सक्टासुर ने आक्रमण कर दिया है। और यदि उसके आक्रमण को समाप्त करना है तो आज की पूरी कथा सिर्फ यही कहती है कि भैया कृष्ण नाम संकीर्तन की गति को बढ़ा दो। यदि जाप करते हो, मालाएं करते हो, तो माला की संख्या को बढ़ा दो। माला लेके नहीं बैठते, मिनट के हिसाब से करते हो तो मिनट बढ़ा दो। भगवान नाम संकीर्तन की गति बढ़ाओ, अपने आप ये सक्टासुर जो संकट रूपी असुर है ये चला जाएगा।